वुमेन्स प्रीमियर लीग के मुकाबले एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि अपने ओपोनेंट्स को आने भी नहीं दे रही मैच में, चाहे मुंबई इंडियंस की बात कर लें, दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लें। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसी फ्रेंचाइज है इस टूर्नामेंट में जो कि स्ट्रगल कर रही है। कौन सी ऐसी टीम है और उस टीम से जुड़ी क्या एक घटना हुई है जिसने WPL को एक तरीके से क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में डाल दिया है, वो घटना क्या है, उसको देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और हम आपके लिए डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स कॉन्टेंट लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो आपको बता देता हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली और ये घटना बेसिकली ब्रबॉन स्टेडियम में हुई। रविवार को एक मैच खेला गया मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के, उसके बीच में ये लापरवाही जो है आपको देखने को मिली। लापरवाही कुछ इस तरीके से थी कि दूसरी पारी के चौथे ओवर की जो पांचवी गेंद थी उसे सोफिया एकलस्टोन ने फुलर लेंथ पर फेंकी थी। मैथ्यूज ने उस गेंद को पहले डिफेंस किया था और वॉरियर्स ने LBW की अपील की थी। अंपायर ने इसे नकारा और यूपी ने रिव्यू ले लिया। रिप्ले में देखा गया कि बॉल जो है वो हेली के बैट से लग रही थी, बावजूद इसके LBW चेक हुआ और मैथ्यूज को आउट करार दे दिया गया। मैथ्यूज बहुत देर तक रुकी रही और उन्हें फिर रिव्यू लिया। फिर से देखने पर पता चला कि पहले DRS में किसी दूसरी ही बॉल का रिप्ले दिखाया गया था। अंपायर ने अपना फैसला पलटा और मैथ्यूज नॉट आउट रही। इससे पहले वो रन आउट होने से भी बची थी। पहले रिप्ले में क्या हुआ था, पहले रिप्ले में थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि जब तीसरे अंपायर के पास पहले रिप्ले का जो मैंडेट उनके पास गया तो जब उन्होंने चेक किया तो देखा गेंद जो है बल्ले से टकराने से पहले मैथ्यूज के पैर के अंगूठे पर लगते हुए दिखाई दे रही थी। हॉकाई में साफ देखा गया कि बॉल जो है वो सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही है। तीसरे अंपायर के कहने पर फील्ड अंपायर ने पाठक जो थे उन्होंने मैथ्यूज को आउट करार दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो बल्लेबाज थी मैथ्यू अंपायर के फैसले से चकित हो गई। बेसिकली सरप्राइज हुई कि ये कैसा डिसीजन हो गया, क्योंकि बॉल जो थी उनके हिसाब से उनके बल्ले पर लगी थी और उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वो क्रीज पर वहीं पर खड़ी रही उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंट भी थी इस बात को, तो मुंबई इंडियंस ने रिव्यू लिया। जब मुंबई इंडियंस ने रिव्यू लिया और अंपायर ने दोबारा चेक किया तब ये देखने को मिला कि तीसरे अंपायर ने जो पहला रिव्यू दिया था वो किसी और ही गेंद का रिव्यू दे दिया था, किसी और ही बल्लेबाज के रिव्यू के बेसिस पे उनको आउट करार दे दिया गया था। ऐसी मिस्टेक जो है वो WPL को बुरी कैटेगरी में डालेगी, ऐसी मिस्टेक जो है वो WPL को कॉन्ट्रोवर्सी की कैटेगरी में डालेगी, ऐसी मिस्टेक जो है वो WPL की अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर देगी। आपका क्या कहना है जरूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में कि इस तरह की अंपायरिंग को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या ये जो मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक थी या नहीं, ये भी बताएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।